नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं खट्टा मीठा अचार बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चटकारेदार नींबू का अचार है। देखिए, ये है नींबू। नींबू से आप तो ऐसा अचार बनाएंगे जो बनाते ही आप उसको तुरंत खा सकते हैं। गैस पे हमने भगोना रख दिया, इसमें पानी रख दिया था। अब इसके ऊपर हम एक रख देंगे छन्नी, चाहे आप इसको इडली स्टैंड में भी रख सकते हैं, मगर मैं इसको छन्नी में रख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं गलाना है। इसको हमें ऐसे रख के नींबू को ढक कर 8 से 10 मिनट तक इसको हमने बना लेना है, ताकि ये थोड़े नरम हो जाए इसकी खाल, क्योंकि हरे नींबू की खाल मोटी होती है और नींबू पीले नींबू की खाल पतली होती है। इसलिए हम इसको ऐसे भाप लगा के ढक के 8-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, सो स्टीम लगाते 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, नींबू हमारे अच्छे से ये मुलायम हो गए हैं। इसको आप चेक करना है तो आप नाइफ की सहायता से ऐसे, ये देखिए कितना ये अच्छे से हमारे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमको उसको नहीं गलाने हैं, क्योंकि हमारे नरम हो गए हैं और इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नींबू हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम ऐसे काट लेंगे। लेकिन आराम से कट रहे हैं हमारे नींबू। ऐसे चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं, मैं इनको 4 टुकड़े ऐसे करूँगी। ये देखिए कितने आराम से ये टुकड़े हो जा रहे हैं। देखिए, इसी तरह से हम सारे नींबू को काट लेंगे। ये देखिए, इसमें दाने हैं, आप इस दानों को निकाल लीजिएगा। जब थोड़े बहुत रह जाएंगे तो उसकी कोई जो इतना ख़राब नहीं होता है। ऐसे कुछ कुछ दानों को हम ऐसे काटते हुए निकाल लेंगे और ऐसे काट लेंगे हम। ये देखिए कितने आराम से नींबू कट जा रहे हैं और ये बहुत ही चटपटी सी हमारी रेसिपी बनेगी। आगे हम आपको बताएंगे इसमें हमें आगे क्या करना है। ये देखिए, हमने सब नींबू को काट लिया है और देखिए इस तरह से हमें बीजे भी निकालते चले गए थे। अरे, थोड़े बहुत बीजे रह जाएँ उसकी कोई बात नहीं है। ये देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, बिल्कुल कम आंच पे है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सौंफ और हमने 1/2 चम्मच के लिए डाली है मेथी। फिर हमने 2 चम्मच डाले हैं अजवाइन। 2 ही चम्मच हमने डाली है जीरा और थोड़ी सी हमने डाल दी है काली मिर्च। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इतना करना है कि मिक्सी में हल्का ही हमारा पीस जाए। बहुत ज़्यादा से करेंगे तो जहाँ मसाले जल जाते हैं, इसलिए हम इसको 1 मिनट तक ऐसे भून के मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसाला पीस लिया है, दरदरा पीसा है। अब इसमें हम चटकारेदार मसाले को यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने डाल दिया लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच है लाल मिर्च। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, घर का इस्तेमाल वाला भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी कलौंजी, ये है 1/4, और हमने आधे से भी आधा थोड़ा सा डाल दी हमने हींग। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, ये है काला नमक। 1 ही चम्मच हम डाल देंगे इसमें वाइट वाला सॉल्ट, जो हम डेली यूज़ करते हैं। इसको हम कर देंगे आपस में मिक्स। फिर हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ये लीजिए, हमने डाल दी 1 कटोरी भर के चीनी और उससे इसी कटोरी से हमने 1/2 कटोरी है पानी। अब इसकी हम अच्छे से चीनी को मेल्ट होने देंगे, फिर हम बताते हैं आगे हमें क्या करना है। देखिए, हमारी चीनी हो गई है मेल्ट। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाले से मिला के रखे थे। ये देखिए, इसमें डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे हमारा बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको हम ऐसे 1/2 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, इसमें मसाले डाल के हमने 1/2 मिनट तक इसको पका लिया था और हमने गैस से दिया इसको उतार। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने काटे हुए थे नींबू। ये देखिए, इसमें नींबू, नींबू का रस तब जाके इसमें हो जाएगा मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा ये, ये देखिए अब इसको मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। अब इसको हम ऐसे ही डुबो के थोड़ी देर इसको रख देंगे। फिर इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसका कितना अच्छा ये चटकारेदार हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार है, जो झट से बन के और फट से खाने वाला अचार बना है।